तो दोस्तों हम आ गए हैं गूगल क्रोम के पेज पर। अब हमें यहाँ पर टाइप करना होगा LIC ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला लिंक दिया हुआ है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के होम पेज पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम LIC की वेबसाइट पर आ जाएंगे, जिसे LIC ने काफी अच्छा पहले से बेहतर बनाया है। तो यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं चार ऑप्शन दिया हुआ, जिसमें पहला ऑप्शन है बाय ऑनलाइन पॉलिसी। तो यहां से आप क्लिक करके ऑनलाइन पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन पैन रजिस्ट्रेशन, यहां से क्लिक करके आप अपने पुराने पॉलिसी में पैन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है पे प्रीमियम ऑनलाइन। अगर आप अपने प्रीमियम का भुगतान LIC की वेबसाइट से करना चाहते हैं तो यहां विदाउट लॉगिन किए आप अपने प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। अगर आपके पास कस्टमर पोर्टल है तो यहां से भी आप अपने प्रीमियम का भुगतान कर पाएंगे। अदर ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में बात करें तो यहां पर जो पहला दिया है ऑनलाइन एड्रेस चेंज, जिस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। दूसरा है ऑनलाइन ई नेश मैंडेट, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसी तरह से आप यहां पर भी देख सकते हैं। तो चलिए क्लिक करते हैं ऑनलाइन ई मैंडेट पर। तो दोस्तों आप यहां पर पढ़ सकते हैं ई नेश क्रिएट और मोडिफाई मैंडेट फॉर फ्यूचर पेमेंट ऑफ प्रीमियम। मतलब आप अपने यहां पर प्रीमियम का भुगतान किस तरह से करना चाहते हैं वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पॉलिसी नंबर डालना होगा, उसके बाद हमें यहाँ पर इंस्टॉलमेंट प्रीमियम डालना है विदाउट टैक्स, तो वो यहाँ पर फिल करना है। फिर कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जो भी कैप्चा है यहाँ पर दिया हुआ वो हमें यहाँ पर फिल करना है। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आता है तो आप यहां से इसे रिफ्रेश करके फिर से वेरीफाई कर दीजिए। तो दोस्तों यहां पर कुछ प्रोविजन दिया हुआ है, आप प्रोविजन पढ़ सकते हैं। वैलिडेशन ऑफ बैंक अकाउंट विल बी डन ऑनलाइन विद नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड। मतलब आपका जो भी अकाउंट है वो वैलिडेट होना चाहिए, उसका नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए, तो ही जाकर आप ऑनलाइन नेच ई नेच को एक्टिव कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है ऑल बैंक विच आर पार्टिसिपेटिंग ई नेच प्रोसेस कैन बी रजिस्टर्ड। मतलब आपका जो भी बैंक अकाउंट है वह बैंक अकाउंट ई नेच के अंडर आना चाहिए, तो उसके लिस्ट भी आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आप उसे चेक कर पाएंगे। मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस आर मैंडेटरी अलोंग विद बैंक अकाउंट डिटेल। मतलब यहां पर आपके बैंक अकाउंट डिटेल के साथ में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस होना कंपलसरी है, जिसके माध्यम से आपको बैंक अकाउंट और LIC द्वारा OTP भेजा जाएगा, जो कि आप आगे प्रोसेस में ले सके। फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट कैन नॉट बी चेंज यूजिंग दिस प्रोसेस। मतलब आप अपने प्रीमियम का मोड यहां से चेंज नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको LIC के सर्विस ब्रांच में ही आपको एप्लीकेशन देकर आपका फ्रीक्वेंसी मोड चेंज करना होगा। जैसे कि अगर आपके पॉलिसी का जो मोड है वो ईयरली है और यहां आप बैंक अकाउंट से प्रीमियम हाफ ईयरली डिडक्ट करवाना चाहते हैं तो नहीं करवा सकते, वो प्रीमियम आपका ईयरली ही डिडक्ट किया जाएगा। पांचवा पॉइंट है दिस ऑप्शंस कैन बी यूज्ड फॉर पॉलिसी वेयर, जैसे कि टाइम रिमेनिंग फॉर द नेक्स्ट प्रीमियम ड्यू इन 16 डेज और मोर। मतलब अगर आप इस सर्विस को एक्टिव करवाना चाहते हैं तो आपका जो भी प्रीमियम का भुगतान है वो कम से कम 16 दिन के बाद आए। मतलब अगर आप आज ई नेच के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उसका प्रीमियम आपका 16 दिन के बाद ही आना चाहिए, तो ही जाकर आप ई नेच के लिए अप्लाई कर पाएंगे। टोटल इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विद टैक्स इज नॉट एग्जिस्टिंग ₹10 लाख। मतलब यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा 10 लाख का इंस्टॉलमेंट प्रीमियम करवा सकते हैं, उससे ज्यादा का आप नहीं करवा पाएंगे। छठे पॉइंट की बात करें तो छठे पॉइंट में वन सीक्वेंस इज रजिस्टर्ड 3 डेज आर अवेलेबल फॉर वैलिडेशन ऑफ द बैंक अकाउंट। मतलब आपने यहां पर ई नेश फैसिलिटी के लिए अप्लाई किया है, जो भी उसका रजिस्टर्ड लिंक आएगा वो सिर्फ 3 दिन के लिए ही वैलिडेट रहेगा आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए। सातवां पॉइंट है पॉलिसीज ऑन ओन लाइफ और लाइफ ऑफ माइनर चिल्ड्रन आर अलाउड थ्रू दिस ऑप्शन। मतलब अगर आप इस सर्विस का
इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सिर्फ आप अपनी ही पॉलिसी या फिर आप अपने बच्चे की पॉलिसी में अपने अकाउंट से प्रीमियम डिडक्ट करवा सकते हैं थ्रू ऑनलाइन ईमेज के माध्यम से। तो दोस्तों इसके बाद आपको यहां पर कंसेंट पे क्लिक करना है। आप कंसेंट भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं कि आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, उसके बाद ओके करना है। तो ओके करने के बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं पॉलिसी नंबर दिया हुआ है, पॉलिसी होल्डर का नाम किस ब्रांच से है, डिवीजन कौन सा है। यहां पर हमें ईमेल आईडी फिल करना होगा। ईमेल आईडी फिल करने के बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है आपके पॉलिसी में या फिर बैंक अकाउंट में, आपको यहां पर वो डालना है। उसके बाद बैंक का आईएफएससी कोड क्या है वो आपको यहां पर क्लिक फिल करना है। जैसे ही आप यहां पर फिल करेंगे, आपके जो बैंक का डिटेल है, कौन से ब्रांच से है, कहां का अकाउंट है, वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए डाल के देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहां पर मेरा ब्रांच कहां का है, पूरा कंप्लीट एड्रेस यहां पे आ गया है। अब आपका अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग है या फिर करंट है। तो यहां पे सेविंग है तो सेविंग पे क्लिक करना है, करंट है तो करंट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट में आपका नाम क्या है, जैसा नाम आपके बैंक अकाउंट में है वैसा ही नाम आपको यहां पर फिल करना होगा। तो चलिए फिल कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपको बैंक अकाउंट का नंबर डालना है यहां पर, तो चलिए वो भी डाल लेते हैं। उसके बाद आपको वापस से री एंटर करना है, बैंक अकाउंट नंबर सेम आपको डालना होगा। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहां पर हमें एलआईसी द्वारा एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी जैसे आएगा आप यहां पर फिल करके प्रोसीड कर सकते हैं। तो दोस्तों ओटीपी आ गया है, उसे फिल कर लेते हैं और प्रोसीड पे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही प्रोसीड पे कंटिन्यू करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं यूटिलिटी कोड, मैक्सिमम अमाउंट कितना जाएगा प्रीमियम में, पॉलिसी नंबर। दोस्तों यहां पे जो मैक्सिमम अमाउंट दिया है उतना अमाउंट नहीं जाएगा, जो भी आपका प्रीमियम अमाउंट है वही डिडक्ट किया जाएगा। और कब से आपका स्टार्ट होगा और कब उसका एंडिंग डेट है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं री एंटर द बैंक डिटेल्स, तो यहां पर आपका जो भी बैंक डिटेल है, अकाउंट नंबर, आपको वापस यहां पर फिल करना होगा। तो फिल कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पे पूछा है वेरिफिकेशन एट बैंक यूजिंग। अगर आप नेट बैंकिंग करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग पे, डेबिट कार्ड से तो मैं डेबिट कार्ड से करना चाहता हूं। और दोस्तों यहां पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, उस पर क्लिक करता हूं। तो आप यहां पर वीडियो पॉज करके इसे पढ़ भी सकते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। हार्डली दोस्तों यहां पर यह दिया हुआ है कि किस डेट से आपके प्रीमियम का भुगतान होगा। अगर आपके पॉलिसी का जो कमेंसमेंट डेट है वो 1 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में है तो 7 तारीख को आपका प्रीमियम का भुगतान होगा। 8 से लेके 15 तारीख का डेट है तो 15 तारीख को प्रीमियम का भुगतान होगा। अगर 16 तारीख से लेके 22 तारीख तक का प्रीमियम का डेट है तो यहाँ पे 22 तारीख को प्रीमियम का भुगतान होगा। और 23 तारीख से लेके बाकी के अगर 31 तक का भी डेट होगा तो यहां पर 28 तारीख को ही प्रीमियम का भुगतान होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि मुझे 5 तारीख को या फिर 2 तारीख को या 10 तारीख को एक पर्टिकुलर डेट पे ही मेरे प्रीमियम का भुगतान हो, तो यहां पर वो चीजें नहीं हो सकती हैं। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आप यहां पर वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसे ओके करते हैं और कंटिन्यू पे करते हैं हम क्लिक, प्रोसीड करते हैं आगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कंफर्मेशन की दिया हुआ है, यहां पर आप रिक्वेस्ट आईडी नंबर देख सकते हैं, बाकी अकाउंट होल्डर का नाम, पॉलिसी नंबर, बैंक डिटेल, जो भी आप यहां पर कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस कीजिएगा। तो दोस्तों यहां पर एक कंसेंट दिया हुआ है, उसे क्लिक करके आपको यस टू प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहां पर यस टू प्रोसीड करने के बाद आप देख सकते हैं काइंडली कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन 10 मिनट्स टू अवॉइड सेशन टाइम आउट। मतलब 10 मिनट के अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसे कंप्लीट करना होगा। अगर आप 10 मिनट के अंदर नहीं करते हैं तो यह सेशन आउट हो जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा। मतलब जो भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के थ्रू होगा। जो भी आपने यहां पर बैंक अकाउंट डिटेल डाला होगा उसका आपके पास डेबिट कार्ड और या तो फिर नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड होना चाहिए, तो ही जाके आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। तो चलिए यहां पर मैं कंटिन्यू करता हूं। तो दोस्तों कंटिन्यू करने का देख सकते थे प्लीज वेट का सर्कल आया। फिर यहां पर मुझे कार्ड डिटेल नंबर इंटर करना है और एटीएम पिन इंटर करना है, तो वो इंटर कर देते हैं। और इंटर करने के बाद यहां पे सबमिट पर क्लिक कर देते हैं।
तो दोस्तों यहां पर बैंक से मुझे ओटीपी आएगा जिसे मुझे यहां पे फिल करना होगा। फिल करने के बाद अगर आपको ओटीपी नहीं आता है तो आप रीजनरेट पर क्लिक करके वापस से ओटीपी मंगा सकते हैं, लेकिन मुझे ओटीपी आ चुका है तो मैं यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करता हूं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं रिडायरेक्ट टू एनपीसीआई प्लीज वेट, तो यहां पर वेट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर मेरा जो मैंडेट अप्रूवल हो चुका है आप देख सकते हैं, मैसेज आईडी एनपीसीआई रजिस्ट्रेशन आईडी एक्सेप्ट कर लिया गया है, ट्रू एक्सेप्टेंस रेफरेंस और डेबिटर आईएफएससी तो यहां पर दे दिया गया है। और आगे देखते हैं और क्या आता है। तो दोस्तों यहां पर मैं रिडायरेक्ट करता हूं, तो रिडायरेक्ट करने के बाद जो भी मेरा एप्लीकेशन था वो यहां पर सक्सेसफुल शो होता है। तो यहां पे मेरा यूमीआरएन नंबर, रिक्वेस्ट आईडी नंबर और टाइम स्टैम्प मैंने तक कब किया है वो डिटेल यहां पर दे दिया गया है। चलिए दोस्तों मैं आपको यहां पर यह भी दिखा देता हूं कि कौन से बैंक ई नेच के अंडर आते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं गूगल क्रोम के पेज पर। तो दोस्तों हम आ गए हैं गूगल क्रोम के पेज पर। अब हमें यहां पर टाइप करना होगा बैंक अंडर ई नेच। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं लाइव बैंक इन एपीआई ई नेच मैंडेट पीडीएफ फॉर्म। तो आप यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। आप यहां से अपने बैंक का नाम सर्च कर सकते हैं कि आपका बैंक एनपीसीआई के इसमें नेच के लिए रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर रजिस्टर्ड है तो आप उस बैंक को नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के थ्रू से आप ई नेच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो साथ ही साथ दोस्तों इस पीडीएफ का फाइल का भी आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर